गौतम अडानी की कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 22% तक की गिरावट आई। इसमें सबसे ज्यादा अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर टूटे हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ये 22% टूटकर 1200 रुपए पर आ गया। शुक्रवार को ये 1600 रुपए पर बंद हुआ था। इसके बाद बाकी कंपनियों के भी शेयर इसी तरह टूटे। इससे इन्वेस्टर्स को शुरुआती घंटे में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अडानी की वापसी बाद में अडानी ग्रुप ने इस खबर को पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत बताया। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं है और न ही विदेशी निवेशकों के डीमैट अकाउंट फ्रीज हैं। इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर बढ़त के साथ, जबकि बाकी 3 कंपनियों के शेयर रिकवरी के साथ 5% से कम गिर कर बंद हुए। अडानी पोर्ट 8.26%, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 6.26% टूट कर बंद हुआ। 3 विदेशी निवेशकों पर शक। शेयरों में गिरावट का कारण ये था कि सेबी ने इस ग्रुप की कंपनियों में 3 ऐसे विदेशी निवेशकों को पकड़ा जिन्हें फर्जी माना जा रहा है। ये 3 निवेशक हैं अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के ही एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास वेबसाइट नहीं है। सेबी ने इन तीनों के निवेश को फ्रीज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL के मुताबिक अडानी की कंपनियों में इन तीनों के टोटल निवेश 43,500 करोड़ रुपये हैं। यह अकाउंट इसलिए फ्रीज हुए क्योंकि इनके बारे में सेबी के पास जानकारी नहीं है, ना ही पैसों का मालिक कौन है ये भी पता नहीं है, इसलिए इन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें अडानी ग्रुप का कोई मामला नहीं है, पर इनके शेयरों में इन्वेस्ट किया गया है इसलिए इस ग्रुप के शेयरों में गिरावट दिखी है। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि ना तो कोई मौजूदा सिक्योरिटी बेच सकता है, ना ही नई खरीद सकता है। सारी कंपनियों के शेयरों में गिरावट। अडानी ग्रुप की जिन कंपनियों के शेयरों में गिरावट हुई है उनमें सभी कंपनियां हैं। इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 5%, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 5.5%, अडानी पावर का शेयर 4.96% और अडानी पोर्ट का शेयर 15% टूटा है। अडानी एंटरप्राइजेस में विदेशी निवेशकों का हिस्सा 20.51%, अडानी टोटल गैस में 21%, अडानी ट्रांसमिशन में 20% के आसपास है, अडानी ग्रीन एनर्जी में 21% के आसपास, अडानी पोर्ट में 17.90% और अडानी पावर में 11.49% हिस्सा विदेशी निवेशकों का है।